और इसी बीच एक बड़ी खबर, कानपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला झोला। कन्नौज की एक मिठाई की दुकान है और कन्नौज के छिबरामऊ स्थित सियाराम स्वीट्स का ये झोला है। मिठाई दुकानदार ने बताया है कि सुबह पुलिस ने आकर डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने दुकान पर जाकर पूछताछ की है और सीसीटीवी का डीवीआर कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, यहां पर एक बड़ी साजिश जो रची गई थी। आगे बढ़ते हैं। इटावा में दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर डाउन ट्रैक बाधित हुआ है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से कानपुर की ओर जा रही वंदे भारत ट्रेन की इंजन बरतना स्टेशन पर फेल हो गया। इसके चलते दिल्ली हावड़ा का डाउन रेलवे ट्रैक कई घंटों से बाधित रहा। नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस इटावा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। वहीं आनंद विहार से दानापुर जा रही स्पेशल वीकली ट्रेन इटावा स्टेशन पर रोकी गई है। ट्रैक बाधित होने से यात्रियों को काफी देर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी से पांचवी वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है। ये ट्रेन वाराणसी से झारखंड के देवघर तक चलेगी। 15 सितंबर को देवघर से नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलकर वाराणसी पहुंचेगी। हालांकि अभी इसका समय तय नहीं हुआ है। आपको बता दें, 5 अगस्त को वंदे भारत की नई रैक आई है और तब से ही लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन अब इसका रूट तय हो गया है। इस ट्रेन के चलने से बाबा विश्वनाथ धाम और बाबा वैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। देखिए, अभी एक्सपेक्टेड है कि कई वंदे भारत इनॉग्रेट होंगी यहाँ पे बनारस से। ऑलरेडी दिल्ली की वंदे भारत चल रही हैं और तो मुझे आशा है कि ज्यादा से ज्यादा जो डेस्टिनेशन हैं उनको बनारस से कनेक्ट किया जाएगा। हाथरस महिला जिला अस्पताल में एक गर्भवती महिला ने आशा बहू पर पैसे लेकर उपचार करने का आरोप लगाया है। महिला ने डिलीवरी कराने के लिए डराकर 13,000 रुपए लेने की बात कह रही है। पैसे न देने पर रेफर करने की बात कही गई। महिला ने रुपए लेकर भी कोई सुविधा न देने का आरोप लगाया है। शिकायत करने के बाद धमकी मिलने की बात भी महिला कह रही है। वाराणसी में ई रिक्शा चालकों की मनमानी का वीडियो वायरल हो रहा है। हड़ताल के नाम पर तोड़फोड़ करने का वीडियो सामने आया है। सामान्य रिक्शा चालकों की गाड़ी को जबरन बंद कराने के प्रयास में तोड़फोड़ की गई है। दरअसल बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ई रिक्शा और ऑटो के लिए रूट तय किया है, जिसके विरोध में ई रिक्शा संघ हड़ताल कर रहा है और इस हड़ताल के बीच मनमानी का वीडियो सामने आया। बदायूं के थाना उसैत इलाके में घर में सो रहा 3 साल का बच्चा लापता हो गया। रात में जब मां की आंख खुली तो उसने तलाश शुरू की। बच्चा जब नहीं मिला तो परिजन दूसरे गांव तक पहुंचे। वहां जानकारी के बाद बच्चा थाने पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक गांव के ही एक व्यक्ति ने बच्चे के सुनसान इलाके में खड़े होने की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस बच्चे को थाने ले आई थी। वहीं परिजनों ने अपहरण के बाद बच्चे को सुनसान इलाके में छोड़ने की बात कह रहे हैं। बांग्लादेश में इन दिनों जो हालात है उसको लेकर बांग्लादेश के बॉर्डर वाले इलाके में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। बीएसएफ और एसएसबी लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। सतर्कता बढ़ा दी गई है, न सिर्फ फुट पेट्रोलिंग बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से भी बॉर्डर पर चौकसी बरती जा रही है। तो सदैव इसमें सजग रहते हुए, सतर्क रहते हुए इस चीज को चेक करते रहे कि किसी प्रकार का कोई अवैध इन्फिल्ट्रेशन हमारे क्षेत्र में ना हो, किसी प्रकार की स्मगलिंग नारकोटिक्स की या फेक करेंसी की हमारे क्षेत्र में ना हो, उसके लिए लगातार हम लोग। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आदमखोर भेड़िए का आतंक बरकरार है और आज एक बार फिर भेड़िया न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ है। बहराइच जिले की महसी विधानसभा क्षेत्र के सिसैया चुरामणी इलाके में आज फिर आदमखोर भेड़िया देखा गया। इसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली।
और तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी है। ये ताजा तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कैमरे में कैद हुआ है यहां पर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं सिसैया चुरामणी इलाके में यहां पर ये भेड़िया दिखाई दिया है न्यूज 18 के कैमरे में। ये भेड़िया यहां पर कैद हुआ है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सर्किल करके, दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये बच्चा पहुंचता है और इस घाघरा नदी के छोटे से नाले को पार करके और इसी इलाके से उस तरफ जाता है जहां पर आदमखोर भेड़िए का बसेरा है। और दो दिन पहले भी यहीं पर एक आदमखोर भेड़िया खेतों में दौड़ता दिखा था जिसकी तस्वीर ग्रामीणों ने कैद की थी, लेकिन आज एक भेड़िया मेरे कैमरे में कैद हुआ है यहाँ पर करीब में। एक मेरे साथी ने कैद किया है, मेरे पत्रकार साथी ने कैद किया है, उसने मुझे दिया है क्योंकि वो यहाँ आया था किसी काम से और वो दौड़ता हुआ बड़ा सा एक भेड़िया जो दिखाई दिया है। फॉरेस्ट विभाग के जो ड्रोन कैमरे हैं इसी इलाके में चल रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि अगर कहीं पर वो भेड़िया हो तो उनके कैमरे में आ जाए। हालांकि उन्हें ट्रेस हुआ है हमें भी वो बता नहीं रहे, लेकिन उनकी पूरी टीम अभी इसी नदी के घाघरा नदी के नाले को पार करके उस इलाके में गई है जहां पर आदमखोर भेड़िए के छुपे होने की जानकारी मिली है फॉरेस्ट विभाग के लोगों को। पूरी टीम गई है, एक जीप में सवार होकर लोग गए हैं और माना जा रहा है कि इसी जगह से अगर वो कहीं भागा नहीं होगा दूर तो इन्हीं गन्ने खेतों में बैठा होगा। मैं कहूँगा सहयोगी से कि ये करीब करके दिखाएं कि देखिए इसी खेत से वो निकला है अंदर से और इसी मचान के पास से होता हुआ इस रास्ते से दूसरी तरफ गन्ने के खेत में चला गया है जहाँ पर अब उसकी तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि अगर वो यहाँ से कहीं मोमेंट दूर नहीं किया होगा तो वो हमारे फॉरेस्ट विभाग के लोगों को की पकड़ में आ जाएगा और अगर वो पकड़ा जाता है तो एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन चूंकि बीते 10 दिन से दो भेड़ियों की तलाश की जा रही है और दोनों लगातार कहीं ना कहीं नजर आते हैं लेकिन वो अपना मोमेंट चेंज कर देते हैं। आज एक भेड़िया कैद हुआ है, लाइव तस्वीरें हैं। दूसरा भेड़िया दो दिन पहले कैद हुआ था जो इसी तरीके से गन्ने के खेतों में घूम रहा था। गांव वाले परेशान हैं, डरते हैं लोग। हालांकि पूरा प्रशासनिक हमला लगा हुआ है, पूरी फॉरेस्ट विभाग की टीम लगी हुई है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं, कई एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, ड्रोन चला रहे हैं, दिन रात कामिंग हो रही है, सर्च ऑपरेशन हो रहा है कि इन दोनों भेड़ियों को पकड़ा जाए जिससे इलाके के लोगों को राहत मिल सके।